वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेस। मैं आप सबका चौहान क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ। आज का हमारा कैलेंडर से संबंधित टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर की मैंने दो वीडियोज अपलोड किए थे, तो कैलेंडर का आज हमारा तीसरा वीडियो है। भागती निश्चित दिनांक को वार दे रखा हो और अन्य निश्चित दिनांक को वार याद करना। टाइप है निश्चित दिनांक को वार दे रखा हो और दूसरा निश्चित या दूसरी निश्चित दिनांक को वार याद करना। ये टॉपिक है निश्चित दिनांक को वार दे रखा हो और दूसरी निश्चित दिनांक को वार याद करना। उदाहरण लेते हैं, आज का ही ले लेते हैं। आज 30 जुलाई 2020 को गुरुवार है। 30 जुलाई 2020 को गुरुवार है, तो वैसी ले लो डेट 28 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा। इस तरह के प्रश्न निकालने के लिए तुम्हें ये टाइप की इस टाइप की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें विषम दिन की आवश्यकता पड़ती है। विषम दिन से हम 2 मिनट में इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे तो उसके लिए तुम्हें महीनों के विषम दिन याद होना आवश्यक है। दिन विषम महा दिन और विषम दिन। विषम दिन होता क्या है? विषम दिन वे होते हैं जो 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचते हैं वे दिन विषम दिन कहलाते हैं। तो विषम दिन की परिभाषा क्या हुई? वे दिन जो 7 का भाग देने के बाद जो शेष पद बचता है वही विषम दिन होते हैं। जैसे जनवरी कितनी की होती है? 31 की। तो 31 में एक का मैं बता रहा हूँ 7 का भाग दिया तो कितने शेष बचे? 7 × 28 = 3। तो इसके विषम दिन कितने आ गए? 3। फरवरी मैंने बताया था लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। और सामान्य तौर पर या सामान्य वर्ष में 28 दिन की, 28 या 29 दिन की होती है लीप। ये तो है सामान्य और यह है लीप वर्ष।
जब सामान्य वर्ष की होगी तो उसका विषम दिन कितना होगा? 0। और 29 दिन की जब फरवरी होगी तो उसका विषम दिन कितना आ जाएगा? 1। क्यों 7 का भाग दिया 28, 1 से सोच के इसलिए 1 आ गया। मार्च मालूम हो गई से 31 का तो कितने आ गए इसके 3। अप्रैल कितने दिन का? 30 का, तो इसके कितने दिन हो गए विषम दिन? 2। मई 31 कितने दिन हो गए? 3। जून 30 2। जुलाई 31 3। अगस्त में 31 की है, बहुत से गलत कर जाती है जनवरी में। सितंबर कितने की? 30 की, तो 2 हो जाएंगे। अक्टूबर 31 की, तो 3। नवंबर कितने की है? 30 की, तो कितने विषम दिन होंगे? 2। और दिसंबर 31 की है, कितने हो गए? 3। तो ये है विषम दिन। इन्हीं की सहायता से हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, उसी को चलो देखो कैसे करते हैं सॉल्व। तो यदि याद हो गए तुम्हें विषम दिन, अब देखो मैंने प्रश्न दिया था, मैंने प्रश्न दिया था जुलाई 2020 को गुरुवार है, तो कौन सी तारीख ले लो? 28 दिसंबर को 28 ले लो, तो 28 दिसंबर 2020 को कौन सा होगा? अब देखो सबसे पहले जुलाई, हाँ तक का दिन मैंने लेने हैं जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब देखो इधर जुलाई कितने की होती है? 31 की। अब 30 दिन तो निकल ही गए, कितने दिन शेष बचे? 1। अब 1 में 7 का भाग जाता ही नहीं, तो 1 का जुलाई का विषम दिन कितना मात्र रह जाएगा? 1। अगस्त के विषम दिन बताए थे मैंने 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2 और दिसंबर 11 तारीख थी 28। तो 28 में क्या करना है तुम्हें? 7 का भाग दिया, 7 का भाग देने के बाद कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ तो गलतियाँ कहाँ होती हैं? एक तो आगे और पीछे। आगे क्या क्या बच्चे लोग पूरा महीना जोड़ देते हैं और इसमें भी पूरा महीना जोड़ देते हैं, तो गलती यही होती है। अब इनका टोटल करो तो 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11 कितना हुआ? कुल विषम दिन 11 है, पर 7 से अधिक होते ही नहीं है, तो क्या करें अपन? 7 का भाग दे दो, 7 × 7 कितने बच गए? देख सकते 7 कितने बच गए शेष? 4। 4 विषम दिन है, तो क्या करना है अपन को? आगे का पूछा इसलिए गुरुवार में करना है 1, 2, 3, 4 जोड़ना है। गुरु के बाद क्या आता है? शुक्र, फिर शनि,
रवि और सोम। तो प्रिय पाठकों, 28 दिसंबर अपना आंसर क्या हो गया? सोम, मतलब सोमवार। 28 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ये आंसर आ गया। इस तरह के प्रश्न कितनी सी देर लगी? 2 मिनट में पूरा सॉल्व हो गया। इसी तरह एक सवाल और कर लेते हैं हम। ये तो समझ में आ गया सभी को? चलो तो आगे चलते हैं। आज की तारीख ले लो, चलो तारीख ले ली आज की, और तारीख दिया दे दिया अपन ने 1 दिसंबर 2020 को। कौन सा बार होगा? 1 दिसंबर 2020 को कौन सा बार होगा? कैसे निकालें इसे? कैसे? वही, चलो तारीख को चेंज कर लो। रक्षाबंधन कितने तारीख को आ रही है? 3 अगस्त 2020 को कौन सा बार आ रहा है रक्षाबंधन को? सोमवार। 3 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो 1 दिसंबर 2020 को कौन सा बार होगा? देखो तो अगस्त से लेकर के तुम्हें कहाँ तक लेना है? दिसंबर तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या करना है तुम्हें? अगस्त कितने भी होती है? 31 की। तो 31 में से क्या करना है तुम्हें? 3 की कम कर देंगे। कितने बच गए? 31 में से 3 कम कर दी, कितने बच गए? 28। 28 में क्या करना है? विषम दिन बनाने हैं। तो 28 में से 7 का भाग दे, तो 28 में कितने बार गया? 4। अब इनसे कोई मतलब नहीं रहा, हमको किससे मतलब रहा? 4 से। सितंबर की तुम्हें याद ही है कितने हैं विषम दिन? 2। अक्टूबर के 3 और नवंबर के 2। अब दिसंबर की कौन सी तारीख दी है? ये तारीख 1 है। अगर मान लो 15 तारीख होती तो 1 विषम दिन हो जाता है, 20 तारीख होती तो 6 विषम दिन आ जाते, 21 होती तो विषम दिन कितने हो जाते? दिसंबर के 0, और 31 दिसंबर ही होता तो विषम दिन 3 हो जाते। कुल कितना आया? 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12। कुल 12 दिन हुए। 12 हमको याद है कि विषम दिन याद करने के लिए 7 का भाग दिया जाता है। 7 × 7 कितने बचे? 5। सोमवार में 5 छोड़ दो, सोम 5 छोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5। सोम के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार। तो अपना आंसर क्या आया? 1 दिसंबर को कौन सा बार हो जाएगा? शनिवार होगा। 1 दिसंबर 2020 को शनिवार होगा। तो मेरी ये ट्रिक कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।